नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ चना सत्तू के लड्डू। ये बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं और बहुत ही जल्दी से बनते हैं, ये सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आइए चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सत्तू के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने चने का सत्तू लिया है, ये ऑलरेडी रोस्टेड होता है और बहुत टेस्टी इसके लड्डू बनते हैं। और यहाँ पे हमने चीनी बूरा लिया है और देसी घी लिया है। और यहाँ पे हमने किशमिश, बादाम और काजू लिया है। काजू और बादाम को हमने फाइनली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने छोटी इलायची का पाउडर भी लिया है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर दी है और स्लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। ये सत्तू डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही इसमें घी मिला देंगे। और इसको हम रोस्ट करेंगे। ज्यादा रोस्ट नहीं करना क्योंकि सत्तू पहले से ही रोस्टेड होता है। खाने में तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको आप कभी भी बना के, जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, ये बना के आप रखिए और इसको खाइए, ये अच्छे लगेंगे आपको। स्लो फ्लेम पे हम इसको 10 से 12 मिनट तक इसको भूनेंगे। इसको चलाते हुए हम भून रहे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम। हमें 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, ये हम डाल देते हैं सारे। इनको भी हम 2-3 मिनट कुक करेंगे, ऐसे भूनेंगे। ये जो सत्तू होता है ये भुने हुए काले चने का होता है। काले चने को रोस्ट करके इसको बनाया जाता है। तो बहुत टेस्टी ये लड्डू लगते हैं। बहुत ही आसानी से इसको आप बना सकते हैं। इन लड्डू को इसको बना के आप स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक, ये खराब नहीं होते। और लो फ्लेम पे ही आपने इसको भूनना है, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना, नहीं तो ये सारा जल जाएगा। ये 2-3 मिनट हो गए हैं हमें ड्राई फ्रूट को डाल के भी कुक करते हुए। ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे रोस्ट हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे, ये हम डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इलायची पाउडर डालते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे। और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा जब ये हो जाएगा फिर हम इसमें चीनी पूरा ऐड करेंगे। गरम में आपने चीनी पूरा नहीं डालनी। अगर आप चीनी पूरा पहले डाल देंगे गरम में ही, वो पानी छोड़ जाएगी और फिर आपके लड्डू नहीं बनेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। पूरी तरह ठंडा करना है हमने इसको। ये लड्डू का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है, अब देख सकते हैं। अब हम इसमें चीनी बूरा मिलाएंगे, वो हम डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं इसको अच्छे से। ये चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लेंगे इसका पोर्शन। लड्डू आप बड़े या छोटे बना सकते हैं, जैसे भी आप पसंद करते हैं। ये देखिए, ऐसे हम सारे लड्डू बना लेते हैं।
सारे लड्डू बनाने के बाद हम फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये चना सत्तू के लड्डू बनके एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम इसको गार्निश करते हैं। हमने यहाँ पे बादाम चॉप करके रखे हुए हैं, फाइनली ये हम डाल देते हैं। इसको आप बनाइए, ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिए और जब आपका मन करे कुछ मीठा खाने का ये आप खाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।